हर व्यक्ति क्यों मोहिनी नहीं चला पाता। आप अगर आपका ही किसी अपने से या फिर अपने घर परिवार पति पत्नी में अनबन हो गया है, रूठ गई है, तो क्यों वशीभूत आप नहीं कर पाते, क्यों आप उसे मोहित नहीं कर सकते। मोहित करना तो दूर, वह आपसे और दूर हो जाती है। तो क्या कारण है कि हर कोई नहीं कर पाता है वशीभूत, तो इसका कारण क्या है। सबसे पहले यह जाननी और इसे जानने के बाद वह योग्यता या फिर कैपेबिलिटी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शब्द को समझिए, मोहिनी, मोहित करना, वशीकरण, वशीभूत करना। किसी को भी उसके मन को, विचार को, भावनाओं को, ऊर्जा को अपने तरफ खींच लेना, बिल्कुल एक चुंबक की तरह जो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, वह गुण जो होता है वशीकरण होता है। अर्थात आप जहाँ पे भी जाएं, व्यक्ति को ऐसे मोहित कर लेंगे, वशीभूत कर लेंगे कि वह आपका हो जाएगा, आपसे प्रेम करे, चाहे आपके पास रहे या आपके साथ रहे। तो यह जो क्वालिटी है, यह कैसे ला सकते हैं आप या किस तरह से। देखिए, अधिकतर लोग सिर्फ छोटा मोटा मंत्र एक दो बार जाप करेंगे और परिणाम मिल जाए, ऐसा सोचते हैं, तो यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे वशीकरण अर्थात क्या बोल रहे हो आप, कि किसी व्यक्ति को, मन को, उसकी भावनाओं को, विचार को, ऊर्जा को अपने अनुसार मुड़ना या अपने लय में, अपने फ्रिक्वेंसी में, अपने फेवर में लाना। तो उसके ऊर्जा विचारों को आप अपने फेवर में तो बाद में लाएंगे, पहले आपकी ही ऊर्जा, आपके ही मन, आपके ही विचार और आपकी भावनाएं आपके अनुसार नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है, क्योंकि आपने कभी साधना किया ही नहीं है, साधा नहीं है आपने अपने आप को, अपने आप को एक केंद्र बिंदु में लाया नहीं है। हर चीज़ अलग अलग भक्त है, आपके मन अलग भक्त हैं, आपकी बातें अलग भक्ति है, आपके जो विचार भावना है वो कहीं और चलते रहता है और आप दिखाना कुछ और चाहते हैं। तो ये बताइए, इस अवस्था में आप अपने आप को ही नहीं किए, दूसरे के ऊपर कैसे कर पाओगे। दूसरे को मोहित करना तो एक सिर्फ और सिर्फ कल्पना और सपने की तरह बात हो गई। तो वही व्यक्ति कर सकता है जो साधक होता है, जिन्होंने साधना किया है। साधक अर्थात जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, जिन्होंने अपने आप को साधा, अपने मन को एक बिंदु में लाया, विचारों को एक केंद्र बिंदु में लाया है, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित किया है, क्योंकि उसे यह गुण, उसे यह क्वालिटी मालूम है। तो वह कहीं पे भी जाए, चाहे फाइल साइन करवाने जाए, या फिर प्रेमी प्रेमिका को अपने प्रपोज करने जाए, या फिर शादी के लिए देखने जाए, या फिर यूँ समझ लीजिए इंटरव्यू में जाए, वह कहीं पे भी अपना काम करवा सकता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले अपने आप को साधा, अपने आप को अपने अधीन किया है, अपने आप को जीता है, तभी तो वह दूसरे के ऊपर वशीभूत कर सकता है, वशीकरण कर सकता है। तो आप कब कर सकते हैं, जब आप साधना करेंगे। तो सबसे पहले आपको साधना करके गुजरना होगा, आपका मन, विचार, ऊर्जा, भावना एक केंद्र बिंदु में एकदम बिल्कुल अलाइनमेंट में आना चाहिए। सब अलग अलग भगेगा तो आप बोलोगे किसी और को अपने वशीभूत कर दो, आप चाहे लाख प्रयास करें फिर भी आपसे संभव नहीं होगा, क्योंकि आप हर चीज़ अलग अलग है, हर चीज़ अलग है, आपका मन, विचार, भाव, ऊर्जा, कल्पना सब भग रहा है अलग अलग। तो दूसरे को कैसे आप ला सकते हैं। वशीकरण का मतलब ही होता है, मोहिनी का मतलब ही होता है, उसके पूरी तरह से मन वर्जी से उसे अपने फेवर में लाना, अपने अनुसार करना। तो पहले अपने आप को साधिए, शक्ति से अपने आप को जगाइए।